नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। आपका डॉक्टर में एक बार फिर हम हाजिर हैं दांतों से संबंधित समस्याओं और उनके निदान पर बात करने के लिए। दांत हमारे शरीर का ऐसा अंग होते हैं जो न सिर्फ चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि हमें स्वस्थ रखने में भी अहम किरदार निभाते हैं। दांत स्वस्थ होंगे तो हम भी भोजन को अच्छे से चबाकर खा सकते हैं, जिससे भोजन पचने में आसानी होती है और हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। वहीं दांत अगर खराब हों या बीमार हों तो इसका असर खाने में दिक्कत के साथ स्वास्थ्य पर भी सीधा पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में लोग दांतों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते। एक अध्ययन से पता चला है कि करीब 95% भारतीयों में मसूड़ों की बीमारी है, 50% लोग टूथब्रश का उपयोग नहीं करते और 15 वर्ष से कम उम्र के करीब 70% बच्चों के दांत खराब हो चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के अनुसार भारतीय लोग नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जाने के बजाय कुछ खाद्य और पेय पदार्थों का परहेज करके खुद से ही इलाज को प्राथमिकता देते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी एक और बड़ी समस्या है, क्योंकि इस समस्या वाले मुश्किल से ही 4% लोग दंत चिकित्सक के पास परामर्श के लिए जाते हैं। तो अपने दांतों की सेहत को लेकर अगर आप भी हैं फिक्रमंद और दांतों से संबंधित समस्याओं का चाहते हैं जवाब, तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, जहां एक्सपर्ट करेंगे आपकी चिंताओं का निवारण और बताएंगे बेहद बेहतर निदान। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं दंत रोग विशेषज्ञ जीन से डिप्टी सिविल सर्जन डेंटल रमेश पांचाल। डॉक्टर से हम इस पर बातचीत शुरू करें, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो मरीजों को अब सभी प्रकार की सुविधाएं मिल पा रही हैं, इलाज के साथ मिल रही है मुफ्त दवा की सुविधा, जागरूकता मुहिम का भी दिखाई दे रहा है असर। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप्स की सुविधा, अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति, इसके अलावा CHC और PHC केंद्रों पर सरकार ने बढ़ाई है सुविधाएं, मरीजों को मिल रही है सभी प्रकार की सुविधाएं। मनोहर सरकार के प्रयास जिनका दिख रहा है काफी असर यहां पर दिखाई दे रहा है सरकार के इन तमाम कदमों का, योजनाओं का। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति के साथ जो है मुफ्त दवा की सुविधा व्यवस्थाओं में विस्तार किया गया है। CHC और PHC केंद्रों पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति, मरीजों को अब सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग की शुरुआत सरकार ने की है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान भी हुआ है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना सरकार की है और 350 चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति सरकार ने की है। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार की सुविधा भी है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट भी सरकार ने दी है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सरकार ने किया है। हर जिला अस्पताल में ICU और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों समेत और 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को 20 लाख की कैशलेस चिकित्सा की सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिप्टी सिविल सर्जन डेंटल रमेश पांचाल। डॉक्टर बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे दांतों में होने वाली सड़न को लेकर। सड़न जो है वो क्यों होती है, इसके कारण क्या है और निवारण क्या है? जी डॉक्टर नमस्कार। मैम जी, हमारे दांतों की जो सड़न का जो मेन कारण वो होता है कि हम यदि दांतों की दोनों टाइम सुबह और रात को सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं अच्छे से और साफ रखते हैं, सुबह भी ब्रश करते हैं और रात को सोने से पहले यदि दोनों वक्त हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों के बहुत कम चांस हो जाते हैं कि किसी तरह की सड़न हो। इसलिए हमें दांतों को अच्छी तरह साफ रखना चाहिए, सुबह भी ब्रश करना चाहिए और रात को भी सोते वक्त हमें ब्रश करना चाहिए। और ब्रश करने के बाद हमें कुछ खाना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जो चिपकने वाली हो, सिर्फ हम पानी पी सकते हैं ब्रश करने के बाद। ये हमारा मेन कारण है। यदि हम दोनों टाइम ब्रश करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने दांतों को बचा सकते हैं। डॉक्टर, हमारे जो दांतों का रक्षा कवच है वो क्या है, और जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो किस तरह की जो एसिड्स हैं हमारे मुंह के अंदर जो है उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो किस प्रकार से इस कवच को नुकसान पहुंचाते हैं? मैम, ऐसा होता है कि जो हमारा मेन जो सलाइवा है उसके अंदर सारे बैक्टीरिया होते हैं। यदि हम रात को प्रॉपर ब्रश करते हैं, हम 6 से 7 घंटे सोते हैं,
जितना भी कोई हमारे दांत में कोई मीठा चिपके हुई चीज, कोई टॉफी चॉकलेट या कोई मीठा हमारे दांत में कहीं छोटी बड़ी कोई कैविटी हो, यदि वहां वो चिपकेगा, जो हमारा साइकिल है बैक्टीरिया का ग्रोथ करने का, वो रात को 6-7 घंटे में कंप्लीट होता है। यदि हम प्रॉपरली रात को ब्रश करके सोते हैं तो हम इस जो रक्षा कवच है इससे बहुत ही अच्छे से हम उस डेंटल केरीज, आम देसी भाषा में कीड़ा बोलते हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो मेन ये है हमारा फोकस रात की ब्रश के ऊपर होना चाहिए, इससे हम दांतों की सड़न और दांतों की जो बीमारियों से बचा सकते हैं। जो इन्फेक्शन है दांतों में डॉक्टर, ये किस प्रकार से फैलता है? अगर क्या ये जरूरी है अगर एक दांत में कोई इन्फेक्शन हुआ है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हुआ है, तो वो तेजी से दूसरे दांतों को भी अपनी चपेट में ले सकता है? यदि हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन हुआ है, एक या दो दांत में हुआ है, यदि हम उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं या प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं या प्रॉपर इलाज नहीं लेते हैं, तो दूसरे मसूड़ों में फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि हम प्रॉपर ब्रश कर रहे हैं, प्रॉपर उसको दिखा रहे हैं, तो उसके बाद बहुत कम चांस हो जाते हैं मसूड़ों में आगे फैलने के। तो वहीं की वहीं हमारा जो मसूड़ों की जो कोई भी बीमारी है उसको वहीं की वहीं रोका जा सकता है। डॉक्टर, आपके पास जो है सामान्य तौर पर किस प्रकार के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो आते हैं, समस्याएं उनको कौन सी रहती हैं? क्या आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी समस्या जो बहुत इस वक्त कॉमन हो चुकी है, लोगों में बहुत ज्यादा पाई जा रही है? हमारे पास मेनली जो पायरिया के पेशेंट होते हैं, डेंटल केरीज के पेशेंट होते हैं, और जो अभी लेटेस्ट हमारे पास जो पिछले 8-10 साल में जो पेशेंटों की वृद्धि हुई है, वो हमारे अंदर जो मुंह की कैंसर है, ओरल कैंसर जिसको बोलते हैं, उसके पेशेंट काफी आने लगे हैं। उसका जो मेन कारण है वो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, पान सुपारी गुटखा है, उसके पेशेंट काफी पहले से 8-10 साल से अब जो बढ़ोतरी हुई है। और मुंह से रिलेटेड जिस तरह हमारे डेंटल केरीज, पायरिया और इस तरह के दांत के पेशेंट हमारे पास काफी मात्रा में। पायरिया की आपने बात की, यहाँ पर पायरिया भी कई लोगों के अंदर जो है ये समस्या देखी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं और कैसे इसके लक्षण जो है वो दिखाई देना शुरू होते हैं? पायरिया में मेन जो मुंह के अंदर से स्मेल आएगी, मसूड़ों में सूजन हो जाएगी, जब आप ब्रश करोगे तो ब्लीडिंग होगी। तो पायरिया का मुख्य कारण ये है कि जब आप यदि रेगुलर ब्रश करते हो, रेगुलर सफाई करते हो, रेगुलर आप हर 6 महीने या साल बाद आपके नजदीकी किसी भी पीएचसी, सीएचसी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं भी आप दांत को चेक करवाते हो किसी से, तो पायरिया के चांसेस घट जाते हैं। पायरिया का मेन कारण ही हमारे मसूड़ों की सफाई ना करना है, और मसूड़ों को हम अच्छी तरह से साफ करते हैं तो पायरिया होने के बहुत कम चांस है। डॉक्टर, अगर ये समस्या हद से ज्यादा आगे बढ़ जाए, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अक्सर लोग जो है अपने दांतों से संबंधित समस्याओं को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, लापरवाही बरतते हैं उसके प्रति, और जो घरेलू उपाय हैं उनसे ही इन समस्याओं को दूर करने की वो कोशिश में लगे रहते हैं। अगर ये समस्या आगे और ज्यादा बढ़ जाए तो कैसे ये जो है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, शरीर के कौन कौन से अंगों पर या हमारे स्वास्थ्य को कैसे ये जो है नुकसान पहुँचाती है? यदि हमारे पायरिया ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे पूरे स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ता है बीमारी का। तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका भी, उसके ऊपर भी पड़ता है, हमारा हार्ट पेशेंट है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। हमारी यदि ओरल हाइजीन, हमारे मुंह के अंदर यदि बहुत अच्छे से सफाई रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो बाकी भी हमारे हेल्थ से बचा जा सकता है। हमारे खाने पीने का जो मुंह से हम चबाते हैं, जो खाना प्रॉपरली मेस्टिगेट करते हैं, उसको यदि हम प्रॉपरली चबा के खाते हैं तो हमारी सेहत के ऊपर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। यदि हम उसका ध्यान नहीं रखते तो हमारे मुंह के अंदर यदि पायरिया है तो डायबिटिक पेशेंट है या जिसको हार्ट पेशेंट है उसको प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें हमारे नियरेस्ट, पूरे हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पीएचसी, सीएचसी और सिविल हॉस्पिटल में हर में डेंटल चेयर और डेंटल क्लिनिक की और डेंटिस्ट की सुविधा है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है, इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ सबसे ज्यादा डेंटल सर्जन पोस्टेड है और डेंटल चेयर इक्विपमेंट बहुत ही अच्छा है। तो जनता जाए पीएचसी, सीएचसी और हमारे सिविल हॉस्पिटल में, लोग वहां से फ्री इलाज कराएं और फ्री सुविधा का फायदा उठाएं। डॉक्टर, दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे आपने कहा कि नियमित रूप से साफ सफाई रखें तो दांतों को स्वस्थ रखा जा सकता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो लोग इस पर काफी ध्यान देते हैं उनके दांतों में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जैसे मुंह से दुर्गंध आने की समस्या यहाँ पर भी दिखाई देती है कई लोगों के अंदर, ये आखिर क्यों होती है? क्या ये किसी दूसरे रोग का कोई संकेत हो सकता है, मुंह से दुर्गंध आना, या फिर दांतों से संबंधित कोई समस्या शुरू होने वाली है ये उसका संकेत होता है? जो हेलेटोसिस है, मुंह के अंदर से बदबू आना बेसिकली, इसको ये दांतों का भी एक कारण होता है। इसका दूसरा कारण हमारा एब्डोमेन होता है। कई बार हमारा खाना पीना अच्छा ना हो, हमारा डाइजेशन अच्छा ना हो, पेट का हमारा पेट खराब रहता हो, या हमारी वर्किंग जो है हम 10-12 घंटे लगातार बोलते हो, हमारा प्रोफेशन ऐसा हो, उसके कारण भी कई बार हमारे मुंह से स्मेल आने लग जाती है।
और डेंटल का मेन कारण जो स्मेल का है, पायरिया है, या किसी दांत में कैविटी है जहां कहीं खाना फंसता हो, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दूसरा जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुन पा रहे हैं हमें? चले लगता है हमारा संपर्क अभी टूट गया है। जी डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं हमें? यस मैम, यस मैम। जी जी बताएं। तो ये है, आप बेसिकली हेलिटिसिस के दूसरे कारण हो सकते हैं। कई बार दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी के खाना फंसता रहता है, उससे भी स्मेल आती है। हमारा पेट खराब रहता है, हम प्रॉपर पेट का ध्यान नहीं रखते या खाने का ध्यान नहीं रखते, उससे भी हमारे स्मेल का एक कारण हो सकता है। तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है? क्या ये समस्या पूरी तरह से खत्म की जा सकती है? डेंटिस्ट के साथ साथ अब यदि आपके मुंह के अंदर कोई ऐसी कोई हेलिटोसिस या स्मेल बदबू आती है, तो आप फिजिशियन की भी, जनरल फिजिशियन की आप सलाह जरूर लें, एक बार चेकअप करवाएं, और उसके बाद डेंटिस्ट से भी आप जरूर चेक। डॉक्टर पहले अब मैं पायरिया को ही लेके और ज्यादा चाहूंगी कि आप विस्तार से उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है अक्सर लोगों में अब देखी जा रही है, इसके भी क्या अलग अलग प्रकार होते हैं पायरिया के? पायरिया जिस तरह हमारी लेडीज में, महिलाओं में जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, और डिलीवरी के बाद, खासतौर पे मैं हरियाणा की बात करूंगा, तो हमारे जो हमारी बहनें हैं वो ब्रश नहीं करती हैं, एक डेढ़ महीने के लिए ब्रशिंग मेथड, उनका ब्रशिंग बंद करवा दी जाती है, तो उसके बाद पायरिया के और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सफाई करती नहीं है, एक एक डेढ़ महीना मीठा खिलाते रहते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये पूरा संदेश है कि जो हमारी बहनें जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन के बाद बच्चा हो, तो वो दूसरे या तीसरे दिन ही अपना, या जिस दिन भी वो उठने लायक हो जाए या वॉशरूम जाने लगे, तो उसी दिन से ब्रशिंग शुरू करते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं। डॉक्टर, इस पर हम आगे आगे बातचीत करेंगे, इसी बात को लेकर के बढ़ेंगे आगे। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, कैथल से राम कुमार जुड़े हैं, स्वागत है आपका। राम कुमार पूछें क्या सवाल है। नमस्कार राम कुमार जी, नमस्कार। आप उसको, कितने साल का बच्चा है आपका रूटीन में? आप रूटीन में बच्चे को, बच्चे को 6 साल के बाद जब उसके पक्के दांत आने शुरू हुए 6-6.5 साल में, और उस बच्चे को 12.5 साल तक रेगुलर आपके आसपास कोई भी डेंटिस्ट है, डेंटल सर्जन जो भी पोस्टेड है, उसको दिखाएं 12.5 साल, क्योंकि हमारे जो पक्के दांत है वो 12.5 साल तक आते हैं, और 6-6.5 साल के बाद हमारे दूध के दांत टूटने शुरू होते हैं। यदि हमारे नॉर्मल है, दांत सीधे आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमारे टेढ़े मेढ़े हैं, तो आप किसी भी आपके आसपास में डेंटिस्ट को दिखाएं, या हायर सेंटर पे डेंटल कॉलेज रोहतक है, एम्स है, पीजीआई है, वहां दिखाएं, तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट की एक अलग से ब्रांच है, वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि 10 साल में, 12 साल में, रूटीन में 12 या 12.5 साल के बाद ही वायरिंग का प्रोसेस शुरू। आपके दांत बहुत अच्छे हो, आपकी जो हड्डी है दांतों के चारों तरफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपके जो मसूड़े हैं वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो, तो आपको किसी तरह की कोई भी, कभी भी आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते। चलिए बहुत शुक्रिया राम कुमार गौतम जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको मना कर दिया जाता है टूथब्रश नहीं करना है, और महीना डेढ़ महीना तक वो ऐसे ही बिना टूथब्रश के ही रहते हैं। अक्सर यहाँ पर देखा गया है कि जिन महिलाओं को पायरिया की प्रॉब्लम होती है, वो तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं, या फिर गुलकंद जो है वो भी दांतों में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इससे जो है कोई साइड इफेक्ट आप देखते हैं कि दूसरी एक चीज को फर्क हो रहा है, दर्द में भले ही उन्हें आराम मिल रहा हो लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नुकसान हो रहा है इस चीज से? मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरी आपके टीवी के माध्यम से, तंबाकू एक बहुत बड़ा जहर है। तंबाकू, गुटखा, जो भी पान सुपारी, जो भी कोई लोग किसी तरह का भी यूज करता है, कोई टोटके टाइप है, ये बहुत बड़ा जहर है। ये खाली मुंह में नहीं, मुंह की कैंसर तो करता ही करता है, गम्स को खराब करता है, ओरल कैविटी को पूरी खराब करता है, आपके पूरे शरीर में आज कैंसर का यदि रेट देखें तो सबसे ज्यादा जो मेन कारण है वो तंबाकू का है। तो इसलिए कोई भी आदमी, कोई औरत, कोई भी इसका बिल्कुल भी यूज ना करे, किसी तरह भी यूज ना करे। तंबाकू सेवन सबसे बड़ा, तंबाकू यदि कोई सेवन कर रहा है वो सबसे बड़ा जहर है, वो धीरे धीरे पूरे मुंह को, पूरी आपकी छाती को, पूरे शरीर को। यानी कि डॉक्टर, इसको एक मिथ ही माना जाए कि कुछ लोग जो तंबाकू या पान खाना शुरू कर देते हैं दांतों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए, ये पूरी तरीके से गलत है? ये बिल्कुल गलत है। तंबाकू का सेवन, गुटखे का, पान का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हम पान के साथ सुपारी खाते हैं,
सुपारी से एसोफेगस फाइब्रोसिस हमारा मुंह बंद होना शुरू हो जाता है। जो लोग बहुत लंबे टाइम तक सुपारी खाते हैं वो भी एक बाद में कैंसर का धारण कर लेता है और उससे मुंह फूलना कम हो जाता है। हमारा जो मुंह है हमारा धीरे धीरे भी कोई 10-20 साल सुपारी खाता रहता है तो उससे हमारा मुंह फूलना कम हो जाता है, वो भी एक बहुत खतरनाक चीज है। उसको पान सुपारी या तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा ये एक डॉक्टर की छिद्रे दांतों की जो समस्या है इसे कैसे दूर किया जा सकता है, दांतों में छिद्रापन आना जो है वो क्यों शुरू हो जाता है? यदि आपका शुरू से बचपन से है तो उसका ट्रीटमेंट है, वायरिंग करवा सकते हो। यदि बाद में आता है छिद्रेपन का आता है तो उसका अलग अलग रहता है। कई बार हम मुंह बंद करते हैं हमारी फोर्स ज्यादा होती है उसकी वजह से भी हमारा छिद्रापन आना शुरू होता है। तीसरा हमारी जो हड्डियां हैं उस लेडीज में 35-40 साल की उम्र में हमारी बाइट ऐसी होती है, डीप बाइट बोलते हैं, उससे भी हमारा अलग अलग छेद आना शुरू होता है जिसको डायस्टीमा बोलते हैं। उसके बहुत ज्यादा कारण है तो हम स्टार्टिंग शुरू से ही यदि हम उसको दिखाना शुरू करें और उसको वहीं के वहीं संभाल लें तो इसका इलाज बहुत ही जल्दी संभव। जैसे आपने बताया कि अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि दांतों में छिद्रापन है तो उसमें भी आप वायरिंग करवा करके दांतों में उसे ठीक कर सकते हैं, तो कौन सी बातों का इसमें जो है ध्यान रखा जाता है, पेशेंट को कैसे यहाँ पर चीजें उसमें देखी जाती हैं, क्या सजेस्ट किया जाता है इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान? यदि आपको शुरू में आपके दांत बहुत अच्छे हैं और बाद में किसी एज में 25-30 साल या उसके बाद यदि दांतों में कोई गैप आ रहा है तो आपको तुरंत उसको किसी डेंटिस्ट या तो जाके आपके आसपास जो भी पीएचसी सीएचसी या नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें चेक कराएं, दिखाएं। यदि उसका कोई कारण है तो उसके एक्सरे से हमारे दो नॉर्मल एक्सरे उससे भी पता लग जाता है या ओपीजी हमारा एक्सरे होता है ऑर्थोपेंटोग्राम, उससे सारा का सारा पता लग जाता है कि हमारा गैप क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, कि हमारी बोन की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे दांत क्यों घूम रहे हैं, तो सारा का सारा एक्सरे देखने के बाद डायग्नोसिस हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी संभव है। आपकी ऑर्थो से भी हो सकता है, आपका कंपोजिट फिलिंग से भी हो सकता है। यदि स्मॉल गैप्स है आपके पास, थोड़ा थोड़ा गैप है तो हमारा कंपोजिट फिलिंग्स आज लेते हैं, एस्थेटिक्स फिलिंग्स है उससे भी वो गैप को रोका जा सकता है। और ये जो ब्रिसल्स हैं ये कितने वक्त तक लगे रहते हैं, इसकी कोई एक समय सीमा है कि बेसिकली जो है रूटीन में जो ट्रीटमेंट शुरू होता है कहीं कुछ ऑर्थोडोंटिस्ट एक साल भी लगता है, कहीं का 1.5 साल भी लगता है, 1 से 2 साल का इसमें ट्रीटमेंट पीरियड रहता है। मैक्सिमम जो लिमिट है वो क्या है डॉक्टर साहब? मैक्सिमम 1.5 से 2 साल इसका लिमिट है ऑर्थोडोंटिस्ट जी। तो जो दांतों में छिद्रेपन की समस्या है या जो गैप आ रहा है, टेढ़े मेढ़े दांत है, वो 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए यदि गैप कम है तो वो तो महीने में 5 दिन में 10 दिन में वो तो सिंपल फिलिंग से भी कई बार ठीक किया जा सकता है। जी सिंपल 1-2 दांत के अंदर गैप जी वो 1-2 सिटिंग में हो जाता है। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ राहुल जुड़े हैं झज्जर से। राहुल स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। हां जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार। हाँ जी एक्चुअली सर ना दांत में दर्द रहता है जी लगभग 1 महीने से, इधर राइट हैंड साइड वाले में। अच्छा, नीचे के ऊपर जिसे खाते हैं जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नीचे दर्द रहता है नीचे के दांत में, ऊपर के दांत में? ऊपर वाले में जी, ऊपर वाले दांतों में। कोई ऊपर वाले दांत में आपको ठंडा गर्म लगता है, कुछ सिर में दर्द? जी जी ठंडा गर्म में लगता है। जी 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 सर जी सर। कोई आपको उसमें गर्म लगता है ज्यादा कि ठंडा लगता है? जी ठंडा गर्म दोनों लगता है सर। दोनों लगता है। कोई एक्सरे वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह करवाया आपने कोई? आप जी अभी नहीं करवाया सर। क्या करवाना है सर फिलहाल आप बता दीजिए। आपको गर्म उसमें लगता है और ठंडा दोनों लगता है तो कोई दांत में छेद है, खाना फंसता है तो उसको तुरंत आप नियरेस्ट अपने दिखाएं और उसकी हो सकता है फीलिंग से कम चांसेस है, आपको RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा मुझे लगता है दांत जिससे जैसी आप हिस्ट्री दे। जी चलिए बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक दिल्ली से लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हैं। लक्ष्मी स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर जैसे अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी कहा कि सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर होती है, तो ये जो है ये किस कारण से होती है? दांतों में ठंडा गर्म लगने की जो समस्या है, अगर कुछ मीठा खा लिया तो भी उसके बाद दांत में दर्द सब महसूस होना शुरू हो जाता है? जो सेंसिटिविटी है वो 2-3 तरह की होती है। यदि आपके 1-2 दांत में सेंसिटिविटी है उसकी फीलिंग हो जाती है, जनरलाइज्ड है। पूरे मुंह के अंदर यदि आपको सेंसिटिविटी है, पूरे मुंह के अंदर यदि ठंडा लग रहा है तो आपका कहीं ना कहीं जो ब्रश करने का मेथड है वो गलत है। आप जो ब्रश कर रहे हो सुबह शाम दोनों टाइम या एक टाइम कर रहे हो तो आपका ब्रशिंग मेथड गलत है। उस गलत ब्रशिंग मेथड की वजह से आपके मसूड़ों के और दांत के बीच में जो लाइन होती है वहां से कहीं ना कहीं दांत हमारे कट जाते हैं हल्के से, वो आपको दिखाई नहीं देते। उसके बाद वो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है और वो सेंसिटिविटी आपको कहीं आप ठंडा खाओगे आइसक्रीम खाओगे तो वो लगनी शुरू हो जाएगी। तो उसका बेस्ट मेथड ये है कि
कि आप अपने किसी भी सरकारी या कहीं भी जाओ, डॉक्टर से ये पूछो कि मुझे ब्रश करने का मेथड समझाएं, वो आपको अच्छे से मेथड बताएंगे कि इस मेथड से आप ब्रश करें, और जो भी ब्रश करें सुपर सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट करें, हार्ड ब्रश से कभी भी ब्रशिंग ना करें। उससे भी कई कारण हो जाते हैं कि आपको दांत कट जाए और सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है पूरे मुंह के अंदर। एक दो दांत के अंदर यदि आपकी सेंसिटिविटी है वो फीलिंग से भी ठीक हो सकती है, कोई कैविटी हो, लेकिन जनरलाइज्ड है वो कहीं ना कहीं आपका ब्रशिंग मेथड चला। डॉक्टर बिल्कुल सुनने में बड़ा नॉर्मल सा है कि ब्रशिंग पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और अक्सर यही चीज जो है अगर स्किप हो जाए तो मुझे लगता है कि समस्या यहीं से फिर जो है होना शुरू हो जाती हैं। तो एक बार मैं ये जरूर चाहूंगी डॉक्टर साहब आप ये भी बताएं कि जो टूथपेस्ट है वो किस प्रकार से, किस चीज की मात्रा उसमें ज्यादा होनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम जो टूथपेस्ट मार्केट से ला रहे हैं उसमें क्या होना जरूरी है। दूसरा ये भी कि जो ब्रशिंग मेथड है वो क्या होना चाहिए, कितनी देर तक ब्रश करना जो है जरूरी हो जाता है। मैम आपको जो ब्रश है वो आपका बहुत सुपर सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट, नंबर एक बात, आपको ब्रश पे बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए जी। आपका पेट का उतना ज्यादा रोल नहीं है। डॉक्टर बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहती हूँ, एक दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं उनको ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पर इस पर विस्तार से बात करेंगे। बहादुरगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ दर्शक, स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना और पूछें सवाल। हेलो जी रुचि। सर मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मेरे ना एक महीने से दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ बताएं सर क्या करना चाहिए। आप पूरे मुंह में सेंसिटिविटी है कि कहीं एक दो दांत? सर थोड़े मतलब साइड में ही होती है, मतलब ठंडा पानी पी रहे हैं तो उसको लेकर, ठंडे पानी से ज्यादा। ठंडे पानी के साथ आप किसी एक पर्टिकुलर एक दो जगह दांत में दर्द है कि पूरे मुंह में ऐसा लगता है कि सारे मुंह में मेरे को? नहीं नहीं सारे मुंह में नहीं, सर साइड में। साइड में कोई दांत वगैरह खराब तो नहीं आपका, कोई खाली तो नहीं, कोई ब्लैक तो नहीं, कोई ऐसा नहीं लगता? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, ऐसा पुखला दांत लास्ट वन मंथ से प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट में बिल्कुल लास्ट दांत आपका आया हुआ है जो विजडम टूथ अक्कल झाड़ बोलते हैं, उस वाले रीजन में तो नहीं है आपका कोई? नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं सर, ये लास्ट वन मंथ से मुझे अभी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई है। वैसे कोशिश करें आप कहीं एक बार दिखाएं, यदि आपको फिर भी यदि नहीं वो लग रहा है आपको तो नॉर्मल कोई भी आपको कोई भी सेंसिटिविटी के लिए कोई पेस्ट आती है उसको आप यूज कर सकते हैं 10-15-20 दिन, तो उसको लंबे टाइम ना यूज करें। यदि आपको ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप तुरंत अपने किसी भी आसपास में डेंटल सर्जन को जरूर दिखाएं। जी डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे यहाँ पर ब्रशिंग मेथड कैसा होना चाहिए और टूथपेस्ट जो है वो किस तरह का लेना चाहिए। मैम हमारा जो ब्रश है वो बहुत ही सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, उसके जो ब्रिसल्स हैं बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, उसमें बहुत बड़ा रहम जो सॉरी अपना अहम रोल है वो ब्रश का है। ब्रश यदि हमारा बहुत अच्छे से हम ब्रश कर रहे हैं तो 70-80% ब्रश का रोल है, बाकी रोल रह जाता है पेस्ट का। पेस्ट आप रूटीन में कोई भी पेस्ट कर सकते हो, किसी तरह की भी पेस्ट हो, उसका कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि हमारी कोई मेडिकेटेड पेस्ट है। कुछ लोग मेडिकेटेड कोई पेस्ट ज्यादा यूज करते हैं, उसका ऐसे ना करें जब तक कोई डेंटिस्ट आपको एडवाइस ना करे। जी प्रेशर डाल के ब्रश ना करें, और उसका प्रॉपर मेथड यह है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मसूड़ों के से ऊपर के ऐसे ब्रश लेके जानी चाहिए, नीचे नीचे से ऊपर आप मसूड़ों पे ब्रश ना मारें ताकि दांत आपके ना कटें, और 2-5 मिनट तक आपको रूटीन में ब्रश करनी चाहिए। कुछ लोगों को पेस्ट नहीं लगा पाते, बच्चे भी नहीं लगा पाते, उनको खाली यदि वो ब्रश भी कर लेते हैं तब भी उनको बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये मेन रोल है कि आप जो ब्रश खरीदे बहुत सॉफ्ट सुपर सॉफ्ट, रगड़ के ना करें, प्रेशर ना डालें, सॉफ्ट हाथ से करें, और पेस्ट को बहुत ज्यादा भी ना लगाएं, थोड़ा सा चने का दाना उसके ऊपर लगा के हाथ से उसको प्रेस करें। पेस्ट हमारे ब्रिसल्स के अंदर जानी चाहिए, उसके ऊपर नहीं रखनी चाहिए। और डॉक्टर साहब मसूड़ों की जो प्रॉब्लम है वो भी अक्सर दिखाई देती है, सूजन होती है, खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, तो इसका जो कारण है वो क्या है और मसूड़ों का ढीला होना जो है उसे कैसे रोका जा सकता है? मसूड़ों का ढीला जो मैंने आपको बताया कि पायरिया का एक कारण होता है, आप अच्छे से इसको मसाज भी कर सकते हैं, मसूड़ों का आप रूटीन में उंगली से भी कर सकते हैं, अपनी मसाज कर सकते हैं, ब्रश तो करते ही करते हैं। यदि आपको मसूड़ों का बहुत ज्यादा ढीला बना गया तो आप उसको चेक करवाएं, हो सकता है आपके मसूड़ों ने दांतों के बीच में जो हड्डी उसकी जगह छोड़नी शुरू कर दी हो, और कोई ना कोई पायरिया का या लंबी किसी तरह की बीमारी का आगे कोई रूप ना ले ले। तो मसूड़ों के लिए सबसे बेस्ट है आप दोनों टाइम ब्रश, और हाथ से भी हम फिंगर से भी 1-2 मिनट तक हम रूटीन में मसाज कर सकते हैं अच्छे से मसूड़ों के ऊपर, मसूड़ों को मसाज देना भी जरूरी हो जाता है बहुत। एक और दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं उनको भी ले लेते हैं, पूजा झज्जर से जुड़े हैं, स्वागत है आपका पूजा, आप पूछें क्या सवाल है। सर अचानक से मतलब खाना खाते समय ना दांत में दर्द होने लगता है, पानी भी मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है,
पूजा, कौन से दांतों में आपको ये प्रॉब्लम होती है? मैम साइड के सेंटर वाले, साइड के दांतों में नहीं ये प्रॉब्लम होती है। खाना खाते टाइम पानी लगता है और दर्द भी होता है। जी डॉक्टर साहब। हेलो जी डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं? आपके दांत में पूजा मैडम कोई कैविटी तो नहीं है? कहीं आपको कोई ऐसा तो नहीं कोई दांत को कट हो या कोई कैविटी हो उसमें पानी लग सकता है? और यदि आपको बहुत ज्यादा ही लग रहा है पानी तो उसको एक बार जरूर चेक कराएं। और रूटीन में थोड़ा आपको लगता है कि एक या दो दांत दांत में है तो उसको एक बार चेक करवा कर ट्रीटमेंट। चलिए बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, कैविटी दूर करने के लिए लोग अक्सर जो है स्केलिंग कराते हैं, क्या ये तरीका जो है वो सही है स्केलिंग कराने का, और कितने वक्त बाद जो है ये जो प्रोसीजर है वो किया जा सकता है? हमें बेसिकली कैविटी से बचने के लिए हमें जो बच्चे हैं टॉफी चॉकलेट या मीठे का सेवन कम से कम करना चाहिए, और टॉफी चॉकलेट यदि कोई खाता है बच्चा उसको रुकवाना चाहिए और ब्रश करवानी चाहिए नंबर एक बार। यदि हमारे दांत पे किसी पे कोई भी चिपकने वाली कैंडी है, टॉफी है, चॉकलेट है, किसी तरह की चीजें कोई भी खा रहे हैं और उसकी सफाई नहीं कर रहे तो उसमें दांत में कीड़े लगने के बहुत बहुत चांस होते हैं। जहां तक मसूदों का है हम ब्रश भी प्रॉपरली कर रहे हैं तो उससे भी हम बच सकते हैं। कीड़े का तो मेन वो है कि हम यदि ब्रश करें और टॉफी चॉकलेट और जितना फास्ट फूड वगैरह थोड़ा कम से कम खाएं उससे हम बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो स्केलिंग का मेथड लोग यूज करते हैं उसकी तरफ जाते हैं। मैम यदि आपके दांत में कहीं प्लाक या कैल्कुलस कोई डिपोजिशन है, कोई जमा हुआ है दांतों के अंदर, तो आपको स्केलिंग करवाना चाहिए। 6 महीने या साल में एक बार चेकअप करवा लो। आपको यदि कोई उसमें चिपका हुआ है, कोई हार्ड कैल्कुलस है दांतों के अंदर लगा हुआ है, तो उसकी आप स्केलिंग करवा सकते हो। यदि आपके दांतों में डेंटिस्ट बताएगा आपको कि आपके दांतों में जरूरत है कि नहीं है, रूटीन में आपको चेकअप करवाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर 6 महीने या साल बाद आपको स्केलिंग की जरूरत हो। सकता है आप इतना ध्यान रखते हो, दोनों टाइम ब्रश करते हो, आपके दांतों पे कोई डिपोजिशन ही ना हो, आपको स्केलिंग की जरूरत ना हो। लेकिन क्या ये मैं जानना चाह रही हूँ कि अगर ये बार बार हम इसी मेथड पे जाते हैं तो कैसे दांत भी कमजोर हो सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है? स्केलिंग से मैम कभी भी कोई दांत नहीं कमजोर होते, वो एक मिथ है, वो बहुत बड़ी मिथ है। स्केलिंग यदि जरूरत है तो करवानी चाहिए। यदि हम स्केलिंग नहीं करवाते और आपके अंदर बहुत ज्यादा गंध जम गया, पत्थर जम गया किसी तरह का भी, वो पत्थर जम जम के आपके दांतों में इतना ज्यादा पायरिया फैला देगा, इतनी ज्यादा बोन लॉस कर देगा, बाद में हो सकता है सर्जरी से भी ना काबू आए आपको। तो ये बहुत बड़ी मिथ है, स्केलिंग से कभी भी कोई दांत हिलते नहीं है। हमारे दांत ऑलरेडी बहुत ज्यादा पायरिया है, बहुत ज्यादा बोन लॉस है, ऑलरेडी हिल रहे होते हैं। स्केलिंग यदि करते हैं तो लोगों को लगता है, कई लोगों को, कि हमारे दांत हिलने लग गए, जबकि स्केलिंग से कभी दांत कोई हिलता नहीं। डॉक्टर, आपने सर्जरी की बात कही, सर्जरी की नौबत भी क्या इस तरह की परेशानी अगर हो जाए दांतों से संबंधित तो उसमें आ जाती है? हाँ आ जाती है। यदि आपके मसूड़े बहुत ज्यादा खराब है, आपकी बोन लॉस है, आपके दांत हिलने लग गए, मोबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई है, तो आपके स्केलिंग से ठीक नहीं आ रहे, उसके बाद पेरियोडोंटिक्स जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसकी सर्जरी करते हैं, प्रॉपर सर्जरी से ठीक हो जाती है। तो ये अक्सर क्या आप देखते हैं कि इस तरह के केसेस दिखाई देते हैं या बहुत रेयर टू रेयरेस्ट होते हैं? नहीं, रेयरेस्ट नहीं होते, बहुत केसेस होते हैं हमारे पायरिया के तो कॉमन है, और हमारा जो पायरिया है, पेरियोडोंटाइटिस है, ये इस तरह की जो ये तो बहुत कॉमन बीमारी है। और जो सर्जरी वगैरह है ये कभी कभी नहीं है, कुछ केस नहीं है, काफी लोग जो गाँव में रूरल बैकग्राउंड से काफी लोग हैं उनको काफी मिलती है, और सर्जरी हमारे यहाँ रोहतक डेंटल कॉलेज में और आम जो हमारे जितने भी हेडक्वार्टर पे सिविल हॉस्पिटल है पान सुपारी जर्दा जो मुंह के अंदर रखते हैं गुटखा उसको बिल्कुल ना खाएं, उससे दांत का नुकसान होता है, आपके मुंह के कैंसर की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यदि आप दोनों टाइम अच्छी तरह सफाई रखते हो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे हार्ट पेशेंट हो। तीसरा ये है कि मेरा सबसे बड़ा जो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं पूरी अपनी हरियाणा पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बहनें हमारी महिलाएं हैं वो डिलीवरी के बाद बच्चा होने के बाद ब्रश बिल्कुल ना रोके, इससे हमारी बहनों के बहुत ज्यादा दांत खराब होते हैं, उसको वो तुरंत 1 या 2 दिन बाद शुरू कर दें, एक एक डेढ़ महीना ब्रश करना बंद ना करें। ये मेरे बहुत अच्छा वो है कि आप ब्रश करें और अपने दांतों को मजबूत रखें। यदि आप 2 महीना 1.5 महीना ब्रश बंद करते हैं तो अपने दांतों में खुद ही बीमारी आप ले आते हो। इसलिए मेरा संदेश मेरी बहन माताओं के लिए, जो डिलीवरी जब होती है उसके तुरंत बाद ये ब्रश शुरू कर दें।
चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जो हमारे दर्शकों ने आपसे पूछे। तो दांतों से जुड़ी समस्या को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कभी भी दर्द या सूजन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दिन में दो बार ब्रश करना, रोजाना फ्लॉस करना, ठीक से खाना और नियमित रूप से डेंटल चेकअप जैसी आदतों को अपनाकर आप अपने दांतों को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।